कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, वतवक्कल अलल हय अल्लज़ी ला यमूत, उस पर भरोसा करो, उस जिंदा पर जिसे कभी मौत नहीं आई। कितने प्यारे अंदाज में कुरान मुकद्दस हमें एक फरमान सुना रहा है कि लोगों, तुम भरोसा करते हो जो लोग फना हो जाएंगे उन पर, तुम भरोसा करते हो दुनिया की उस चीज पर जो मिट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, इसलिए कि इस दुनिया में जो भी चीज है वो सब पानी है, सब ने खत्म होना है, एक दिन एक मुद्दत है, उस मुद्दत की पूरा होने पर चीजें खत्म हो जाएंगी। दोस्त पर भरोसा करते हो मरना है, बाप पर भरोसा करते हो बाप ने भी एक दिन मरना है, किसी मशीन पर भरोसा करते हो उसने भी एक दिन मरना है। अब भरोसा किस पर किया जाए? भरोसा उस ताकत पर किया जाता है, उस कुवत पर किया जाता है जिस पर हमें दिन एतमाद होता है, जिसके मिटने का हमें खदशा नहीं होता। और वो जात किसकी है? तो उसी की तरफ कुरान इशारा करता है, वतवक्कल अलल हय अल्लज़ी ला यमूत, ए लोगों जो कभी मरेगा नहीं, जिसे कभी मौत नहीं आएगी, और वो जात अल्लाह की है, वो जात तुम्हारे खुदा की है, तुम्हारे परवरदिगार की है जो तुम्हें पा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उसके लिए है जो तमाम जहानों का रब है, तमाम इंसानों का रब है, जो उन सब का रब है, और सिर्फ रब नहीं उनको पाल भी रहा है, खिला भी रहा है, और मरने के बाद जिंदा भी करे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे की तवक्कुल, उस पर तवक्कुल क्या है? तवक्कुल क्या है मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों? एक होता है वकील, एक होता है वकील, बोलो एक होता है वकील। वकील वो जिसको काम सौंपा जा रहा है, जिसके सुपुर्द काम किया जा रहा है वो वकील है, और जो सौंप रहा है उसे मुतवक्किल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? क्या कहते हैं? मैंने किसी को काम सौंपा तो मैं मुतवक्किल, और जिसे काम सौंप रहा हूं वो मेरा वकील। और जिसे काम सौंपा जा रहा है, जिस वकील को काम सौंपा जा रहा है, उसके ऊपर दिल एतमाद है, दिल यकीन है कि ये मेरा काम पूरा कर ही देगा। तवक्कुल कहते हैं। हजरत अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला ने फरमाते हैं कि रब्बे जुल्जलाल पर बंदे का ऐसा कामिल यकीन हो, ऐसा दिली एतमाद हो, ऐसा रब्बे जुल्जलाल पर भरोसा हो कि मैंने रब्बे जुल्जलाल पर किसी काम को सौंपा है वो मेरा काम पूरा हो ही जाएगा, इस दिली एतमाद को तवक्कुल कहते हैं। हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह अहयाउल उलूम में लिखते हैं कि तवक्कुल के तीन दर्जे। देखो तवक्कुल कैसा होना चाहिए? तवक्कुल के तीन दर्जे कितने? अल्लाह पर भरोसा हमारा है तो भरोसे के तीन दर्जे। नंबर एक जो छोटा सा दर्जा है वो दर्जा ये कि बंदे को अल्लाह पर ऐसा भरोसा होना चाहिए जैसे किसी वकील के ऊपर होता है। हमने किसी को अपना केस सौंपा, किसी वकील को हायर करके, अब हमको भरोसा होता है कि यार इसको हमने फीस हम दे रहे, ये हमारा केस जीते जाएंगे, ये हमारा केस जीत जाएगा, एकदम दिल एतमाद भरोसा होता है उसके ऊपर। तो बंदे को अल्लाह पर ऐसा ही भरोसा होना चाहिए जैसे वकील पर होता है। दूसरा दर्जा जो इससे आला दर्जा है, पिछले वाले दर्जे से आला दर्जा है दूसरा दर्जा, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत पर एक बंदे को ऐसा एतमाद, ऐसा भरोसा होना चाहिए जैसे छोटे से बच्चे को अपने माँ के ऊपर होता है कि वो ना किसी को पहचानता है ना किसी की गोद में जाता है, उसके लिए सब कुछ उसके लिए है। माँ जो खिला दे खा ले, जो पिला दे पी ले, माँ अगर जहर पिला दे बच्चा वो भी पी ले, कोई माँ जहर पिलाती नहीं समझाने के लिए बोलो, अगर पिला दे बच्चा पी ले, शहर चढ़ा दे चाट ले, यानी जो मां जिस हाल में रखती है बंदा जी रहा है, बस दूसरा दर्जा ये।
तीसरा दर्जा जो सबसे आला दर्जा, सबसे आला, कि रब्बे जुल जलाल के सामने इंसान ऐसे हो, ऐसे लाचार, ऐसे मोहताज हो जैसे मुर्दा होता है। और मुर्दे को जो गुसल देते हैं, एक मुर्दा है उसको जब लोग गुसल देते हैं तो उसकी हालत क्या होती है, उसको मुर्दे को बिल्कुल भरोसा होता है गुसल देने वालों के ऊपर, लाचार मोहताज लोग उठा दे उठ जाए, लेटा दे लेट जाए, कोई काम साफ कर रहा है कुछ नहीं बोल रहा, खामोशी के साथ लेटा हुआ, लाचार है मोहताज इंसान, रब्बे जुल जलाल चलाए तो इंसान चलता है, वो बिठाए तो इंसान बैठते है, वो खिलाए तो इंसान खाते है, मोहताज है इंसान का अपना कुछ नहीं, रब्बे जुल जलाल पर ऐसे रहता है कि रब्बे जुल जलाल के मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीदारों, हजरत फैज बिन इसहाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हजरत फुजैल बिन अय्याज से पूछा कि तवक्कुल क्या है, तवक्कुल की तारीफ बयान कीजिए। हजरत फुजैल बिन अय्याज कहते आप भरोसा करोगे अल्लाह पर, आप हम जैसे लोग भरोसा करेंगे अल्लाह पर, सुनने वाली बात कहते करेंगे अल्लाह पर, अगर तुम यहां से उठकर अपने घर जाते हो और आप देखते हो कि आपकी बीवी अंधी हो गई है, आपकी बेटी लंगड़ी हो गई है, आप खुद फालिज के मर्ज में मुब्तला हो गए तो आप क्या करोगे, क्या करूं? कहते हजरत शायद सब्र का पैमाना लबरेज हो जाए, चीखों पुकार निकल जाए, कैसे कर सकते हो फिर आप भरोसा, कैफियत तो ऐसी होनी चाहिए कि जब रब्बे जुल जलाल कोई नेमत दे रहा है उस पर भी उसका सुख, तकलीफ में मुबतला कर रहा है उस पर भी सुख, इतनी सी बात कि जो रब तुम्हें नेमत दे रहा है उसकी भी नहीं करते हो, और वो रब तुम्हें अगर किसी तकलीफ में मुबतला करता हो जबान से शिकवा निकलता है, तो तुम कैसे कर सकते हो भरोसा अल्लाह पर। और कहते मैं नापसंद करता हूं इस बात को कि मैं सजदे में जाऊं और कहूं कि ऐ अल्लाह मैं तुझ पर भरोसा करता हूं, जबान से दावा ना करे अमल से करके दिखा, वो भरोसा है। आप पुकार पुकार करें कि मैं अल्लाह पर भरोसा है, मैं अल्लाह पर भरोसा है, भरोसा है, लेकिन जब तकलीफ आ गई सब्र का पैमाना लबरेज, ये कैसा भरोसा, भरोसा ऐसा नहीं होता, भरोसा तो ऐसा कि वो जिस हाल में रखे बंदा कबूल कर ले, कबूल कर ले। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीमा, हमारे असलाफ का भरोसा रब पर कैसा है देखिए, पर हदीस पाक में भी रब्बे जुल जलाल ने ऐलान किया है, हजरत खलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अगर किसी बंदे के पास किसी ने अमानत रखा, क्या रखा अमानत, क्या रखा अमानत, यानी पैसे दे दिया कि भाई ये पैसे रख मेरे पास, मैं जब आऊंगा तो ले लूंगा, उसको अमानत, अमानत रखा, और उस बंदे पर बड़ी सख्त मुश्किल आन पड़ी, तो उसने उस अमानत को इस्तेमाल कर दिया, फजूल खर्ची नहीं किया, घर वालों पर खर्च किया, तो बंदे ने अमानत रखा, और जिसके पास अमानत रखा उसके ऊपर तकलीफ आ गई, तो उसने उस अमानत का इस्तेमाल कर लिया और उसमें फजूल खर्ची इधर उधर उड़ाए, उसने अपने घर वालों पर खर्च किया और वो अमानत खत्म हो गई और ये बंदा भी मर गया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि मेरे फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ, ये मेरा बंदा अमीन था लेकिन इसके ऊपर तकलीफ आ गई, इसने उस अमानत को इस्तेमाल किया, फजूल खर्ची नहीं की, अपने घर वालों पर खर्च किया और अमानत को अदा किए बगैर वो मर गया, तो तुम गवाह हो जाओ इसका मेरे ऊपर भरोसा था, ये मेरे ऊपर भरोसा करता था और मेरे ऊपर भरोसा करते ही करने की वजह से उसने उस अमानत को इस्तेमाल कर लिया और इसका ये यकीन था कि मैं इस अमानत को लौटाऊंगा, अल्लाह मुझे रिस्क देगा, मैं इस अमानत को लौटा दूंगा, लेकिन मर गया। वो मेरे फरिश्ते
तुम सब गवाह हो जाओ, इसका कर्ज मैं अदा कर दूंगा और इसके इसकी जिसकी अमानत थी वो उसको भी राजी कर दूंगा, तुम गवाह हो जाओ। तो ये ऐलान है रब्बुल जलाल का। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे जवानों, बस आखिरी बात, हजरत फुज़ैल बिन अय्याज़ रहमतुल्लाह अलैह का गालिबन ये वाकिया है कि वो घर में बैठे थे, उनकी बीवी आटा गूंद रही थी। क्या कर रही थी? आटा गूंद रही। और उस वक्त लाइटर वगैरह नहीं था, माचिस वगैरह नहीं थी, तो वो आग लानी पड़ती थी कहीं से, आग खत्म हो चुकी थी। उनकी बीवी आटा गूंद कर उसने रख दी और आग लेने के लिए कहीं पर चली गई। एक भिखारी आया और कहने लगा कि अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। तो हजरत फुज़ैल बिन अय्याज़ ने वो गूंदा हुआ आटा उठाया और उस भिखारी को दे दिया। और जब बीवी आई आग लेकर तो देखा कि आटा है ही नहीं, तो पूछने लगी कि आटा कहाँ गया। तो हजरत फुज़ैल बिन अय्याज़ ने मुस्कुरा कर कहा कि वो आटा मैंने दे दिया रोटी बनाने के लिए, वो आटा मैंने दे दिया रोटी बनाने के लिए, रोटी बनकर आ रही हूँ। तो उसने बीवी ने बार बार इशारा किया कि कहाँ गया कहाँ गया, तो कहा कि मैंने भिखारी आया था उसको दे दिया। तो कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई, एक बंदा आया तरकारी और रोटियां लेकर। बोलो तरकारियां और रोटी पकी हुई रोटी और गोश्त का सालन। तो उसने हजरत फुज़ैल बिन अय्याज़ को दिया। तो हजरत फुज़ैल बिन अय्याज़ ने मुस्कुरा कर कहा देखो गूंदा हुआ आता हमने अल्लाह की राह में दिया, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सालन भी भेजा और पका कर रोटियां भी भेजी। यकीन था, भरोसा, तवक्कुल करो। हजरत उमर फारूक फरमाते कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि लोगों तुम अल्लाह पर भरोसा करो ऐसे जैसे भरोसा करने का हक है। तो रब्बुल जलाल तुम्हें ऐसा रिस्क देगा जैसे परिंदों को देता है, तो परिंदा सुबह में भूखा निकलता है और रात को पेट भर करके घर लौटता है। तुम भरोसा करो, यकीन करो, लेकिन कैसे? सिर्फ यकीन करके बैठना नहीं है। हाँ ये भी याद, यकीन करके बैठना नहीं। आका अलैहिस्सलाम से पूछा गया था या रसूल अल्लाह कि क्या सवारी को बांध करके अल्लाह पर भरोसा करे अकेला छोड़कर? हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा कि पहले सवारी को बांधो फिर अल्लाह पर तवक्कुल करो। बीमार हो गए तो दवा लो और फिर दवा पर भरोसा नहीं अल्लाह पर भरोसा, कि मैं दवा खाऊंगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इस दवा की बरकत से मुझे शिफा अता फरमाएगा। तवक्कुल। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानो, अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको सही मानों में तवक्कुल करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह पर भरोसा करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी वलकुम, इज्जत वातु बिलै वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सलातो वसलाम के लिए।